अभी बात हुई मेरी एक क्लाइंट की जिसकी डिमांड थी BLDC कूलर मोटर की। मैंने कूलर मोटर के बारे में उन्हें 1x1 बताया है कि किस तरह से मोटर वर्क करता है बिजली और सोलर पे। इसमें पहले मैंने जो आपका PCB है उसके बारे में बताया है कि PCB में ब्लैक वायर जो है वो आपका AC के लिए है, जो कंट्रोलर के अंदर से 3 वायर निकले हुए हैं वो आपका कंट्रोल करता है स्विचिंग के रूप में और DC सप्लाई के रूप में। और जो मोटर की 3 वायर हैं वो ग्रीन कलर का जो थिम्बल है उसके अंदर में प्लग करना पड़ता है, बीच में आपका वाइट आता है और दाएं और बाएं ब्लैक या रेड कोई भी आप लगा सकते हैं, इससे आपका रन करता है। जब भी आपको वर्क करना हो आप एक टाइम में एक वायर मतलब एक सप्लाई दे सकते हैं, चाहे तो बिजली का या फिर आप सोलर का। आप पूरी वीडियो देखिए, वीडियो के अंदर में वॉइस थोड़ा नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ये मैं एडिशनल रिकॉर्ड करके आपको भेज रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देखिए, प्रोसेस उसमें ज़रूर है, आप प्रोसेस देख करके भी समझ पाएंगे। मुझे आशा है इनके समझने के बाद आपको सारा चीज़ पता लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें।